हेलो जी, कैसे हो? और बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और मैं आज जो आप लोगों से बातें करूंगी ना, शायद हो सकता है बहुत लोगों को दिल पर ज़रूर अच्छी लगेगी और बुरी भी लगेगी, अब मुझे पता नहीं, पर मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि अब आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम शाम को थोड़े बहुत घूमने के लिए सब्जी वगैरह लाने जा गए, है ना। तो जब हम वहाँ जाते हैं, गए ना, मैं रियल बात बोल रहा हूँ, ये नहीं कि इधर उधर की नहीं, जो मैंने देखा मैं आपको वही बता रही, पर मैं काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीखी जब मैं घर आई तो। ठीक है, तो मैंने देखा जब हम गए ना, तो एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और जिस दुकान पर हम गए सामान लेने, सब्जी वगैरह और कुछ भी था, तो वहाँ पर ना दो पति पत्नी बैठे थे और दो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। ठीक है, और वो दो छोटे बच्चे थे, शायद घर में उनका कोई नहीं होगा, हो सकता है, इसलिए उन बच्चों को भी अपने साथ ही रखा था। ठीक है, पर मेरी ये आदत है कि जब मैं कुछ सामान लेती हूँ तो मैं उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत जरूर करती हूँ, ताकि पता चले। कहते हैं ना, अगर आपको समाज में रहना है तो आपको आसपास क्या हो रहा है पता होना चाहिए, है ना, लोग कैसे हैं, क्या है। तो मेरी एक आदत है, अच्छी आदत कहिए बुरी आदत कहिए, पर मैं जरूर कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ। और मैंने जब बात किया उस महिला से, तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, और तब उन्होंने बताया कि घर पे मेरी कोई नहीं है, और हम और हमारे पति और दो बच्चे हैं, ये जो आप देख रही हैं हमारी बेटियाँ दो बैठी हुई हैं, है ना। फिर बात करते हुए उन लोगों ने बताया कि उनका भी घर बार सब कुछ है, पर उनको उनका परिवार वाला उनको पसंद नहीं करता। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी दो बेटियां हैं, इसलिए। जब मैंने सुना, फिर मैं आई, मैं अपने हस्बैंड को बताई, तब बोले कि होता है, लोग ऐसे लोग भी आजकल सोच है तो आप क्या कर सकते हो, पर कितनी गलत सोच है। नहीं है, बेटियां हैं तो क्या हुआ, लक्ष्मी है यार, है ना, तो लक्ष्मी का अनादर तो नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। अगर उनके परिवार वाले करते तो कितनी गलत बात है, हमने बोला भी। फिर एक दो औरतें भी बोली कि बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आजकल का समाज यही है कि लड़कों तो चाहिए ही चाहिए, क्यों भाई, लड़के क्यों चाहिए, लड़कियां क्या कम है किसी से? अगर आप लड़की को ही अगर अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे ना, तो वो भी एक दिन नाम रोशन करेगी यार। किसी किसी को तो ना बेटे हैं ना बेटियां, फिर एक बात तो वो लोग कैसे जी रहे हैं, है ना। तो मुझे इतना बुरा लगा। और मैं एक बात बताऊँ, मैं जो भी अगर सब्जी हो, राशन हो, मैं छोटी मोटी दुकान से ही लेती हूँ। हालांकि यहाँ जहाँ हम यूपी में रहते हैं मॉल है, पर मैं मॉल वगैरह में नहीं लेती हूँ। ठीक है, मैं उन्हीं लोगों से लेती हूँ। और ज़रूरत देखिए, उनसे हम लेंगे तो उनकी जो ज़रूरतें की चीज़ें, उनको थोड़ी बहुत तो हमसे हेल्प हो पाएगी, है ना। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो रेहड़ी लगाते हैं या छोटे मोटे दुकानदार होते, मैं वहीं से सामान लेती हूँ। इससे हमारी जो जितनी ज़रूरत की सामान हो, चीज़ें, हम वो ले लेते हैं, और उनकी ज़रूरतें भी हमारी पूरी हो जाती हैं, है ना। तो मुझे उन और उस जो औरत बैठी थी, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा हुआ, और उन छोटे बच्चों को देख कर मेरी आंखें भर आई थी। पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, ये समाज ही ऐसा है, बहुत गलत है समाज की सोच। अगर अभी भी अगर समाज के लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे, तो फिर कैसे होगा, है ना। क्योंकि अब तो भाई इसकी कोई गुंजाइश नहीं, लड़का हो या लड़की, सभी आगे हैं, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है, सिर्फ आप अगर उनको प्रोत्साहन दोगे, उसे पढ़ाओगे लिखाओगे, तो वो कैसे नहीं लड़की भी करेगी। इसके लिए माँ बाप को भी दूसरों की परवाह ना करते हुए अपने बच्चों पर ध्यान देना। और जानते हो, वो जो लोग थे ना, वो लोग वही काम कर रहे थे, लोगों की परवाह ना करते हुए अपने बेटियों के लिए काम कर रहे थे, ताकि भविष्य में वो अपने बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिखा पाए। तो मैं तो बहुत, जब मैं बोली, मैं बोली बहुत अच्छे काम कर रहे हो आप, बिल्कुल लोगों की परवाह मत करो कि बेटियां, यार बेटियां भी अच्छे काम करती, आप अच्छे कर रहे हो। और उनके हस्बैंड ने भी बोला, मैं बिल्कुल दुनिया की परवाह नहीं करता, मेरे लिए तो ये दो बेटियां हैं, दो बेटे। मैं ये सुनकर ना बहुत खुश हुई कि आज के समय में भी वो गरीब है, अनपढ़ है, पढ़े लिखे भी नहीं, तो फिर भी जो उनकी सोच थी ना, मुझे बहुत अच्छी लगी, सच कहती हूँ दोस्तों। तो यही मुझे बताना था, और आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो से शायद कुछ तक आप लोग पास मैसेज गया हो, और यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ बताइएगा जरूर कि क्या बेटी बेटा से कम होता है, जरूर बताइएगा।